हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि आरसीसी के रूप में ओटीएस को किस तरह से बनाएं। तो ओटीएस बनाने से पहले सबसे पहले हम उसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओटीएस का लोकेशन हमेशा हॉल में दे या फिर जो पीछे के रूम होते हैं उस डायरेक्शन में भी ओटीएस बना सकते हैं। ओटीएस को हमेशा बाहर की दीवारों के साथ बनाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जब आप ओटीएस को बाहर की दीवारों के साथ बनाते हैं तो जो छत का एरिया होता है वो काफ़ी बच जाता है, क्योंकि अगर आप बीच में बना लेंगे ओटीएस को तो जो छत का एरिया होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ओटीएस को हमेशा बाहर की दीवारों के साथ में बनाना चाहिए, और हॉल में बनाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और हॉल में नहीं बनता है तो आप उसको रूम की तरफ भी बना सकते हैं, पीछे के रूम की तरफ। ओटीएस की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जब ढलाई की जाती है छत की, तो उस वक्त जितना ओटीएस का साइज रखा जाना है, यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट या 2 फीट बाय 3 फीट, उतने साइज का ईंट की बॉडी बना लेते हैं, ताकि ढलाई करते समय जब कंक्रीटिंग डालेंगे तो जो कंक्रीट उस ओटीएस के एरिया में ना आए। तो इस तरह से ओटीएस बनाया जाता है। ओटीएस बनाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे कि सबसे पहला फायदा ये है कि रोशनी आती है कमरों में, नेचुरल लाइट का आना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। ओटीएस का एक और फायदा होता है कि जो अंदर के रूम होते हैं उस रूम से निकलने वाले गर्म हवा इस ओटीएस से बाहर निकल जाता है, और जिससे कि जो अंदर के कमरे होते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरह से आप ओटीएस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।